विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। भगवान शिव की आराधना का पावन महीना सावन का चौथा सोमवार 27 जुलाई को है। सावन सोमवार व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सोमवार का व्रत सूर्योदय से प्रारंभ कर तीसरे पहर तक किया जाता है। व्रत रखने वालों को विधि विधान से पूजा करके सोमवार व्रत कथा भी सुननी चाहिए। व्रती को एक समय भोजन करना चाहिए। सावन सोमवार शब्द आते ही मन में कौतूहल होने लगता है। सावन शब्द ही सुख समृद्धि का सूचक है। अगर आपके जीवन में बेहतरी अगर आप चाहते हैं और बेहतर करना चाहते हैं, तो यह जो सावन का सोमवार का दिन है, यह अपने को बेहतर करने का दिन है। आप इस दिन विधिवत शंकर जी की पूजा पाठ करें, रुद्राभिषेक करें, खड़ग पूजा करें और इसके साथ ही शंकर जी के जो भी मंत्र हैं, आपको जो भी स्मरण है, क्योंकि लिखता है कि मंत्रो वही प्राणा हम मंत्रो वही राक्षसा, आप ऐसा पाठ न करें कि जो भी मंत्र पढ़ रहे हैं वह दूषित हो, और दूषित होने के बाद मंत्र जो है वो सुफल भी देते हैं, मंत्र जो है असुफल भी देते हैं। अगर मंत्र क्लिष्ट है, अगर आप ठीक से नहीं पढ़ते हैं, तो वही राक्षस के जैसे हो जाते हैं। तो आवश्यक है कि मंत्रों का उच्चारण सही हो। मान्यता है कि सावन सोमवार का व्रत करने से घर में सुख शांति का वास होता है। चौथे सोमवार को सप्तमी तिथि है, इसी दिन चित्रा नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है। सोमवार के दिन भोले शंकर की आराधना करें और इस मंत्र से उन्हें प्रणाम करें। कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयन जम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाभे श्री महादेव शंभो। अगर आपको कुछ जानकारी नहीं है, तो पूजा करने के बाद हाथ में बिल्व पत्र ले। बिल्व पत्र चढ़ाने से कई जन्मों का जो है कष्ट दूर होता है और सुख संपत्ति प्राप्त होती है। चूंकि बिल्व पत्र में ब्रह्मा विष्णु और महेश सब है, तो बिल्व पत्र लेके भगवान से आराधना करें, प्रणाम करें कि आवाहनम न जानामि तवाचनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। भगवान से, भगवान चूंकि एसेंट लेते हैं, वो भाव लेते हैं, वो भाव खाते हैं, सामग्री की जरूरत नहीं है। आप अपने मन से भगवान भोले शंकर की आराधना करें, पूजा पाठ करें, उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। मान्यता है कि सावन महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति को समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार सावन मास के सोमवार व्रत को करने वाले भक्त की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। सावन मास में किया गया दान पुण्य और पूजा समस्त ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के समान फल देने वाला होता है। हालांकि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण कई जगह लॉकडाउन है, इस कारण मंदिरों में पूजा करने की मनाही है। आप घरों में भी पूजा करके भगवान शिव से मंगल कामना करें। इस खबर में इतना ही। बिहार झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।